हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाइना फ्रॉम सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल मिलकपुर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ अ लेटर टू एडिटर एंड इट इज अ कंबाइंड टॉपिक फॉर क्लास 9th एंड 10th। एज यू कैन सी, अ लेटर टू एडिटर होता ही क्या स्टूडेंट? ऐसा लेटर जो हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को राइट करते हैं। किस लिए राइट करते हैं? किसी भी जनरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी जनरल इशू से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके लोकेलिटी में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही या फिर आपके लोकेलिटी में गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो जनरल इश्यूज को हम उस लेटर एडिटर को लिखते हैं ताकि जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज को जा सके और वो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए। सो वी स्टार्ट फ्रॉम इट्स फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के अंदर क्या होगा? जो आप राइट कर रहे हैं वो उसका एड्रेस, उस पर्सन का एड्रेस। अगर हम राइट कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस। डेट, यहाँ पर आपको डी ए टी ही नहीं लिखनी, आपको मेंशन करनी है डेट। फॉर एग्जांपल 2 जून 2020। नेक्स्ट, रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस। रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आप वही राइट करोगे, अदरवाइज आप अजम्पशन लगा के कोई भी एड्रेस एडिटर्स का रिसीविंग एडिटर एड्रेस के नाम से फिल कर सकते हो, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर के अंदर स्टूडेंट्स आप ऐसा सब्जेक्ट राइट करोगे जो एक फ्रेज में हो, यानी कि टाइटल दे उस लेटर को। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर हम क्या राइट करेंगे? सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। नेक्स्ट, इट्स बॉडी। बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स ऑलवेज नोट दैट हम बॉडी को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। इन पैराग्राफ 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप जो है कौन हो और आप ये जो लेटर है वो किस पर्पस से, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है लेटर को राइट करने का। एंड पैराग्राफ 2, डिटेल ऑफ द टॉपिक। इसका मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है आपकी लोकेलिटी से, किसी भी तरह से कोई भी जनरल इशू है, तो आपको उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी है कि उससे क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे। नेक्स्ट, पैराग्राफ 3 में कंक्लूड एंड। यहाँ पर आप क्या दे सकते हो? आप अथॉरिटीज को सजेशंस भी दे सकते हो कि आप ये काम करिए, कंसर्न अथॉरिटीज को यहाँ पर सजेस्ट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स आप। एंड एट लास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या आएगा? योर सिंसियरली, योर थैंकफुली, जस्ट लाइक दैट। एंड एट लास्ट, सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। आपको लास्ट में क्या लिखना है स्टूडेंट्स? सेंडर्स का नेम अगर आप राइट कर रहे हो तो आपका नेम, आपका सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, यानी कि आप किस पोस्ट पर हो। स्टूडेंट्स ऑलवेज नोट दैट जो लेटर आता है वो 8 मार्क्स का आता है एंड इसके फॉर्मेट में, फॉर्मेट का मार्क्स होता है 1 एंड फॉर इट्स कंटेंट, कंटेंट के लिए होते हैं 4 मार्क्स एंड फॉर इट्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के होते हैं 3 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर कितने बनते हैं? 8 मार्क्स। 1 मार्क फॉर फॉर्मेट एंड 4 मार्क्स फॉर इट्स कंटेंट कि जो हम बॉडी लिख रहे हैं एंड 3 मार्क्स फॉर इट्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो और क्या हो, सेंस बने जो भी हम वर्डिंग लिख रहे हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फुल फॉर्मेट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ लेटर टू एडिटर। सो लेट्स स्टार्ट। योर ग्रैंडफादर इज वेरी अपसेट अबाउट द राइजिंग प्राइसेस एंड कीप्स थिंकिंग ऑफ हिज ओल्डन टाइम्स व्हेन थिंग्स वर वेरी चीप। आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि आजकल जो प्राइस राइज हो रहे हैं, यानी कि चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और वो क्या सोच रहे हैं पुराने टाइम के बारे में, ओल्डन टाइम्स के बारे में, व्हेन थिंग्स वर वेरी चीप, और जब चीजें जो थी बहुत सस्ती हुआ करती थी उस टाइम पर। यू आर कन्विंस्ड दैट इन्फ्लेशन हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन। आप इस बारे में कन्विंस्ड हो कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? राइज इन प्राइस, कि उसने क्या किया है आम आदमी की जीवन में, आम आदमी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लाई हैं। राइट अ लेटर अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको लेटर लिखना है 100 to 120 वर्ड्स के अंदर
टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, किसको लिखना है, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली डिस्क्राइबिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पुअर फैमिलीज, कि जो पुअर फैमिलीज हैं वो किन किन डिफिकल्टीज से, जो कौन कौन सी डिफिकल्टीज ऐसी हैं जो वो फेस करती हैं। सो लेट स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप एज्यूम करके कोई भी एड्रेस सेंडर्स एड्रेस लिख सकते हो स्टूडेंट्स। 15A मॉडल टाउन दिल्ली, देन डेट June 2, 2020 एंड नेक्स्ट द रिसीविंग एड्रेस, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये मैं किसको लिख रही हूँ, द एडिटर, एज यू कैन सी द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, द एडिटर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, राइजिंग प्राइसेस, क्योंकि जो कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं तो सब्जेक्ट भी वैसा ही राइजिंग प्राइसेस। सर यहाँ पे सैल्यूटेशन है एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम इट्स बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग लाइन्स दी गई हैं स्टूडेंट, आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टुवार्ड्स द इन्फ्लेशन, कि मैं क्या विश कर रहा हूँ कि आपकी अटेंशन किसकी, कंसर्न अथॉरिटीज की अटेंशन किसकी तरफ, इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, राइज इन प्राइजेस विच हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट। राइज इन प्राइस ने क्या कर दिया है, लाइफ डिफिकल्ट बना दिया किसकी, कॉमन मैन की, एक आम आदमी की। और इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ये ब्लैंक किसके लिए है, ताकि आप जो प्रॉब्लम्स है, अगर एक आम आदमी की लाइफ में कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो आपको उन चीजों से क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हो, आपको उस चीज के बारे में वहां पर डिटेल में लिखोगे स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक आपकी लाइफ में अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप कम चीज खरीदोगे ना, इसका मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी डिफिकल्टीज, क्योंकि पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर। एंड एट लास्ट दिस इज फॉर द रीजन, एंड एट लास्ट आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट लाइन दैट यू हैव टू राइट इन योर लेटर, इट इज हाई टाइम दैट द कंसर्न अथॉरिटीज शुड वेक अप, कि अब ये अच्छा टाइम है, अब हाई टाइम है, प्रीशियस टाइम है कि कंसर्न अथॉरिटीज को टू वेक अप टू दिस सोशल कोज, कि इतने सोशल इविल को, इस बुराई को, सामाजिक बुराई को खत्म करना चाहिए, या फिर उसको कुछ ना कुछ लिमिट तक कम करना चाहिए, एंड ट्राई टू पुट रेंज टू द राइजिंग प्राइस, और जो इतने प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत रोक लगानी चाहिए, ताकि एक आम आदमी अपनी लाइफ जी सके। सो स्टूडेंट्स एट लास्ट यू हैव टू राइट योर सिंसियरली दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड एट लास्ट योर नेम। सो स्टूडेंट दिस इज द फुल फॉर्मेट ऑफ एंड विद एग्जाम्पल of alerted to editor. I hope you all understand it carefully. Thank you, students.